तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल प्लेयर मेरे जावा सर्वर में कैसे आ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा उस वीडियो के अपलोड करने के दो दिन बाद ही जरा चेंज कर दिया था माइनक्राफ्ट ने ये सिस्टम। तो जरा मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या चेंजेस है। बड़ा छोटा सा चेंज है। अभी आप सर्वर में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करने का है। दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट भी चलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ आप देख भी सकते हो 1.16.100 में मैंने चलाया है और ये चल गया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करना है तो कर लो। आपको एक नया सर्वर करना है ऐड, और उसका नाम आप जो मर्जी रख सकते हो, मैंने जावा रखा। और उसमें जो सर्वर एड्रेस जाएगा वो सेम जाएगा पिछली वीडियो जैसा ही, जो जाएगा geezerconnect.gq। और जो पोर्ट है वो पोर्ट बदल चुका है, पोर्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट बन चुका है 19132। इसको भी आपको यहाँ पर सेव करना है। उसके बाद रुको रुको, अभी काम नहीं ख़त्म हुआ है अभी। इसको मैं बड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, उसके लिए फिर से माफ़ कर दो मेरे को। मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, ये जितनी वीडियो ज़्यादा छोटी रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छा है। अभी आप इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन सर्वर पर क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा और ये यहाँ पे ये लोडिंग होएगा होएगा होएगा। उसके बाद ऐसे सर्वर्स की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आपको इसमें से किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट सर्वर में जाना है। एडिट सर्वर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड सर्वर पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे आईपी डाल देना है जो कि आपको आईपी सर्वर का मिलेगा। अभी जो आईपी है सर्वर का वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। जो आज का आईपी था हमारा rishbat.op.atenos.bi, और जो पोर्ट है वो भी आपको पोर्ट डाल देना है। जो पोर्ट था वो था 3822222। अभी आपको क्या करना है, इस ऑनलाइन मोड को ऑफ कर देना है और फिर उसे सबमिट कर देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन मोड को आपको ऑफ करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसके बिना आप नहीं आ पाओगे। इसके बाद आपको सेव करना है, मैं पहले से कर चुका हूँ इसलिए मैंने नहीं किया, सबमिट कर देना आपको। उसके बाद आप बैक आओगे दो बार तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको बस इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे लोडिंग होगी और आप बस आ जाओगे। और ये लोडिंग आपकी इंटरनेट स्पीड पे और मोबाइल की स्पीड पे भी डिपेंड करती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये मैंने जैसा आपको बोला मेरे फ़ोन में बहुत लंबी लोडिंग हुई क्योंकि मेरा फ़ोन स्लो है। अगर आप ओके तो आप जैसे देख सकते हैं मैं आखिरकार इतने सालों बाद आ गया हमारे गेम में। लोडिंग बहुत ही लंबी थी कसम से। अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो प्लीज़ डरिएगा मत, वो लोडिंग होगी ज़्यादा, मेरा फ़ोन ज़्यादा स्लो है, कटती है ज़्यादा। ओके तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको अभी यहाँ पे लॉगिन कर देना है, ठीक है। ठीक है, लॉगिन करना है अपना, आपको अपना, असल में मैं आ चुका हूँ एक बार यहाँ पे, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। उसके बाद जब आप बाद में आओगे तो लॉगिन करना पड़ेगा। मैं तो बाद में आऊँ इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लेकिन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं लॉगिन हो गया हूँ, देखो अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया। ओके, अभी मैं सर्वर में आराम से खेल पा रहा हूँ, ये एकदम मक्खन तरीके से। अब आप भी ऐसे ही खेल सकते हो भाई, काफ़ी कुछ कर दिया यार। अभी स्ट्रीम का बंद करे 15-20 मिनट भी नहीं हुआ अभी भाई, कितने तेज हो तुम लोग बाय द वे। अच्छा वो छोड़ो उसे यार, अभी आप ऐसे आ सकते हो। बस ये वीडियो इसी के ऊपर थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मैं मिलता हूँ आपसे कल की स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।